एक्सीडेंट हुआ था, 2.5 साल में बिस्तर में रहा था और इतना रोया हूँ उस 2.5 साल में कि आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया हो ना कमाया हो, कम से कम एक बंदा तो मैंने ऐसा कमा लिया है इस यूट्यूब पे आके, जो मेरी चिंता कर रहा है और दिल से मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे मेरी महिंद्रा ट्रियो के बारे में कि वो ठीक होके आ गई या नहीं आई है। और गाइस, पिछले 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है नई, उसके बारे में। और गाइस, इसके अलावा मेरे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी चिंताएँ जाहिर की हैं मेरे बारे में। अब इन सब बातों को सुनकर और पढ़कर अच्छा तो लगता है किसी को हमारी इतनी चिंता है, लेकिन गाइस हमारा फर्ज है, अगर किसी को हमारे बारे में कोई चिंता है तो हमारा फर्ज है उस चिंता को दूर किया जाए। तो आज के इस ब्लॉग में उनकी चिंताएं भी दूर करने की कोशिश करेंगे, 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या किया है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, गाड़ी का स्टेटस क्या है उसको भी बताएंगे। तो गाइस, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है उन लोगों से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार अपने भाई को पूरी तरह से सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले तो मिली हमारी दोनों भतीजियों से, ये है कब्बू, कब्बू चूड़ी ले घूम रही है, गुड मॉर्निंग कब्बू। और ये है हमारी खुशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी शर्मा जाती है, क्या हो रहा है खुशी? ओ ये क्या है, पर्स लेके घूम रही है, चूड़ियाँ अलग लेके घूम रही है, क्या करेगी इन सबका? हाँ, खेल रही है, बताइए, चूड़ियों से खेल रही है। लड़कियों के शौक भी भाई लड़कियों वाले ही होते हैं, अभी छोटी छोटी हैं लेकिन शौक, देखो क्या पहन रही है, चूड़ी और पर्स लेके घूम रही है। पैसे हैं इस पर्स में? पैसे हैं, दिखाना। झूठी, पैसे नहीं है, खाली पर्स लेके घूम रही है। और ये खुशी क्या कह रही है, कुछ बोलना तो आता नहीं तेरे को, क्या कह रहे हो खुशी? हेलो कर दो ऐसे करके, हेलो हेलो, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, हेलो कर दिया। गाइस, आपको एक बात बताऊं, मैं जब गाड़ी चलाता था एक भी दिन की छुट्टी नहीं करता था, रोजाना नियम से अपनी गाड़ी सुबह ही लेकर निकल जाता था और दोपहर तक, दोपहर के बाद शाम को फिर से जाता था, छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं था। और गाइस, उसकी एक वजह है, जब भी घर पर रुक जाओ तो घर वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने कितने पुराने काम पेंडिंग रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम छुट्टी करें उसी दिन सारे काम करवाने। इससे अब यार 5-6 दिनों से घर पर हूँ तो घर वालों ने मेरी रेल बना रखी है, कभी कोई काम कभी कोई काम, अभी भी जैसे ही जगता हूँ घर वालों को कोई ना कोई काम याद आ जाता है। अब गीता ने कोई काम बता दिया तो सुबह सुबह उसी के लिए जा रहा हूँ, पहले दुकान होके आता हूँ फिर दोबारा से मिलूंगा आपको। तो गाइस, योगेश भैया की दुकान पे आ चुके हैं सामान लेने के लिए, और भाई एक आदमी से मिलाता हूँ आज आपको। योगेश भैया हटिए जरा, ये देखिए, ये योगेश भैया का भतीजा है। हेलो, बड़ा ही काबिल आदमी है, 2-3 दिन पहले मेरा वो नहीं चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, पेटीएम, भाई ने 2 मिनट में चालू करके दे दिया मेरे को। ये भाई है, ये भाई है। तो गाइस, इसको पहचाना कौन है, ये है चंचल। कल की हरियाली 30 थी ना, तो हमारे यहाँ भाई पहला रक्षाबंधन है चंचल का, तो हरियाली 30 से एक दिन पहले ही बुला लिया था, और बुला के क्या फायदा कर लिया हमने, ये भी देख लो, आते के साथ ही बीमार पड़ गई है। हेलो चंचल, हेलो तो कर दे सबको, क्या हो गया? बीपी लो हो गया इसका आते ही भाई। और इधर बैठी हमारी बुलबुल, हेलो। और बुलबुल देखने में लगी है चंचल की शादी वाली एल्बम, आपके चंचल आई है ना, तो अपनी एल्बम लेके आइए, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसके बाद में। गाइस, मंगलवार की शाम को गाड़ी का चार्जर फुका था और बुधवार को मैं गाड़ी को महिंद्रा के वर्कशॉप छोड़ के आया था, तब से लेके अब तक घर में ही पड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला। ज़्यादा से ज़्यादा जब मन नहीं लगता है या काम वाम होता है घर का, दुकान तक जाने का, तो बस हनुमान नगर तक जाता हूँ और फिर से आके घर में। क्या करूँ यार, ज़्यादा दूर मैं पैदल चल भी नहीं सकता, और कहीं जाने का कोई जरिया नहीं है, स्टेशन की तरफ जा नहीं सकता, अगर उधर जाऊँगा तो सारे के सारे दोस्त मुझ पर टूट पड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जब मैं महिंद्रा की गाड़ी ले रहा था सभी के सभी दोस्तों ने मेरे को मना किया था कि महिंद्रा की गाड़ी मत ले, सबसे पहले तो महंगी बहुत पड़ रही है, दूसरा इसमें कोई दिक्कत आएगी तो नोकल में किसी को दिखा के आप ठीक नहीं करा सकते हो, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब तक कंप्यूटर लगाते नहीं है वो सॉफ्टवेयर में अपने में अपलोड करके पूरा सिस्टम, जब बताते हैं कि गाड़ी में दिक्कत क्या है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस गाड़ी को संभाल पाना, लेकिन क्या करूँ यार, गलती हो गई है, अब इस गलती को सुधारा भी नहीं जा सकता, इतनी महंगी गाड़ी है कि रीसेल भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी, अभी मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ गाड़ी को लिए हुए, अगर मैं कहीं रीसेल में बेचूंगा अभी तो बहुत ज़्यादा मेरे को घाटा जाएगा, तो मजबूरी है कि गाड़ी को चलाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, चलाऊंगा अभी जब गाड़ी आ जाएगी। मंगलवार को गाड़ी का चार्जर फुका था और आज सोमवार हो चुका है, लगभग भाई 4-5 दिन से ऊपर हो गए लेकिन गाड़ी का कोई भी जुगाड़ बनने में नहीं आ रहा है,
कल भी मेरी इच्छा हुई थी ब्लॉग करने की, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे भैया रेगुलर ब्लॉग डालो, ब्लॉग बंद मत करो। और गैस कल की हरियाली तीज थी तो मेरी इच्छा थी कि कल का ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि चंचल भी आ गई थी तो मैंने ब्लॉग बनाने की कल शुरुआत भी कर दी थी। सुबह सुबह 2-3 क्लिप बनाई थी, लेकिन दोपहर होते होते मैंने महिंद्रा की एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि वो मुझसे सोमवार की कह रहे थे कि सोमवार तक आपका काम हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। तो कल मैंने दोपहर को वहाँ पर कॉल की पूछने के लिए कि भाई क्या स्टेटस है, कल गाड़ी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे को एक नया चैप्टर पढ़ा दिया कि गाड़ी का चार्जर तो फूका ही फूका था, और एक कोई सिस्टम है उसका वो भी फूक गया जिससे चार्जिंग होती है, तो उसके लिए 2-3 दिन और लगेंगे। तो भाई पूरी की पूरी बत्ती बनी हुई है मेरी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से घर वालों ने परेशान कर रखा, जब से मैं घर बैठा हूँ ना घर वालों ने रोज़ाना एक काम बता देते कोई ना कोई ऐसा, कि आधा दिन तो मेरा उसी में ख़राब हो जाता है। एक तो अपनी खोपड़ी के फ्यूज वैसे ही उड़े हुए, ऊपर से खून पीने के लिए घर वाले लगे हुए, भागने का कोई जगह नहीं है। गाइज मैंने दोपहर को आपको दिखाया था ना, चंचल से जब मिलाया था तब बुलबुल चंचल की शादी की एल्बम देखने में लगी हुई थी, और खाली एल्बम नहीं है, चंचल अपनी जो शादी की वीडियो बनी थी उसकी भाई पेन ड्राइव में वीडियो बना के दी है, आज दोपहर में वो भी देखी है। फिलहाल मैं आपको चंचल की शादी की एल्बम दिखाने वाला हूँ, देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। ये देखिए गाइज, ये तो फ्रंट कवर है चंचल की शादी की एल्बम का, और उसके बाद पहली फ़ोटो दिखाता हूँ आपको किसकी है। मेरे को तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप बताना। ये पहली फ़ोटो है, ये दूसरी है, और गैस ये कौन है बताइए ज़रा। ये तो हमारे जीजाश्री हैं गिरधारी लाल जी, ये उनके जीजाश्री हैं, और ये आपका भाई मनोज फौजी। इधर बाकी के रिश्तेदार हैं, ये मेरा छोटा भाई है मुरारी, ये जो बबलू हैं इनके छोटे वाले जीजाश्री हैं, जिनको हाल ही में मैं जब गृह प्रवेश में गया था तब मिलाया था आपको, और ये वाले जो हैं हमारे चंचल के हस्बैंड हैं, बाकी इनके दोस्त वगैरह हैं ये। और कोई इतना ज़्यादा आया कि नहीं आया, ये हर फोटो में लगातार भाई। ये फोटो लगन सगाई वाले दिन का है जब हम लगन लेके गए थे, सारे काम मैंने ही किए थे। ये फोटो है, इसमें मैं इनको अंगूठी पहना रहा हूँ सोने वाली। ये मेरा दूसरा छोटा भाई है, इसका नाम भूरा है, हम प्यार से इसको भूरा बोलते, वैसे इसका नाम सनोज है। ये जो चंचल के हस्बैंड है उनकी सिस्टर हैं। ये वाली जो फोटो है हमारे जीजाश्री की, ये जो वो देते हैं ना मिलनी, उसके टाइम का फोटो है। ये हमारा बेटा मंकू है, इसने भी टीका किया था लगन सगाई पे। एक ये फ़ोटो है जो मेरी नोटिस में आया है, ये हमारी शादी वाले दिन का है जो दावत चल रही थी वहाँ का। ये मेरे साडू साहब हैं जो गीता की छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड, ये मैं हूँ, और ये हमारे जीजाश्री के दोनों जीजा हैं, ये बड़े हैं ये छोटे वाले हैं। तो जब बारात चढ़ रही थी उस टाइम के फ़ोटो हैं, जब बारात घर पर आई थी तब मुरारी ने मेरे छोटे भाई ने स्वागत किया था, वो इस टाइम का फ़ोटो है। ये गेट पर बोलते हैं ना दरवाजा, उसी टाइम की फोटो है। ये स्टेज के लिए जाते हुए का फोटो है चंचल का। ये स्टेज टाइम पे आ गए गाइस। और एक इम्पोर्टेंट बंदे और ये ले, ये मेरी मौसी हैं, उनके बेटे हैं कन्हैया, ये उनकी वाइफ हैं। ये हमारी साली साहिबा है, बीना नाम है इनका। ये गीता मैडम हमारी, इसमें स्टेज पे मैं नहीं पहुंच पाया था, मैं घर में और बाकी कामों में देखने में लगा हुआ था, इस वजह से मैं रह गया हूँ, मैं ही नहीं हूँ स्टेज पे, बाकी सब हैं। और गाइस ये चंचल के मामा हैं, ये कन्यादान टाइम के फोटो हैं, इसमें मैं कन्यादान कर रहा हूँ। ये हमारी टिल्लू की भी फ़ोटो है, उस दिन यार बहुत परेशान हुआ था भाई शादी वाले दिन, 2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई थी, टाइम ही नहीं मिला सोने के लिए। ये मेरा छोटा भाई मुरारी और उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, ये दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं दिल्ली में, ये कहने के लिए बॉस भी है मुरारी का, क्योंकि इसी की कंपनी में लगा हुआ है मेरा छोटा भाई। ये गीता और मयंक दोनों,
ये टीके के टाइम के हैं, सुबह के टाइम में जो टीका होता है उस टाइम के फ़ोटो हैं। और गैस ये है मिलनी का टाइम का, ये जो हमारे दामाद जी हैं चंचल के हस्बैंड उनके पिताजी हैं, मैं टीका कर रहा हूँ उनका। जो मिलनी हुई थी सुबह उसमें हम तीनों भाई थे, ये छोटा भाई भूरा, ये छोटा भाई मुरारी, मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ। ये विदाई के टाइम का फोटो आ गया। फाइनली एल्बम हो गई पूरी, लास्ट पेज। तो गाइस बताइएगा जरूर कमेंट करके आपको कैसी लगी। तो गाइस शाम के 10 बज चुके हैं, टाइम है इस ब्लॉग का एंड करने का। और गाइस जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तीन टॉपिक पर बात करने के लिए बोला था कि आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी गाड़ी का स्टेटस बताने वाला हूँ, पिछले 2-3 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किया वो बताने वाला हूँ। और गाइस लास्ट में आके बोला था कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी चिंताएं जाहिर की हैं मेरे बारे में, तो उनको भी थोड़ा सा संतुष्टि देनी है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैंने अपनी गाड़ी के बारे में भी आपको बता दिया है कि गाड़ी मेरे पास नहीं आई है अभी भी महिंद्रा की वर्कशॉप में ही है। और गाइस उसके अलावा आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 दिनों से कितना परेशान हूँ, घर में मेरी क्या हालत है वो भी बता दिया है। अब गाइस मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके बारे में कुछ बात करते हैं। ये हमारी मैडम आ गई, हेलो गाइस करने वाले, गीता जी हेलो, ले लिया होगा सबने। और गाइस अब बात करते हैं अपने भाई सब्सक्राइबर के बारे में, उनका नाम है अक्षित सक्सेना। अक्षित भाई चिंता मत कीजिए, मैं सुसाइड करने वाला नहीं हूँ, उसकी 2 वजह है। पहली तो मेरा परिवार की जिम्मेदारी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका लालन पालन करना है, चिंताएं उनकी बहुत है। और दूसरा मैं बहुत डरपोक आदमी, मरने से बहुत डर लगता है भाई, तो मैं सुसाइड नहीं करूँगा। हाँ ज़िंदगी में मैंने इससे भी बुरे बुरे टाइम देखे हैं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2.5 साल में बिस्तर में रहा था और इतना रोया हूँ उस 2.5 साल में कि आंखों के आंसू भी सूख गए, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा है, तो इतनी चिंता मत करो। हाँ मुझे बहुत खुशी हुई आपने जो कमेंट किया उसको पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया हो ना कमाया हो, कम से कम एक बंदा तो मैंने ऐसा कमा लिया है इस यूट्यूब पर आके जो मेरी चिंता कर रहा है और दिल से मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। टेंशन मत लीजिए, बुरा समय है कट जाएगा, पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत से आपका भाई लगा हुआ है, जैसे कि यूट्यूब पे लगा हुआ है। सब्सक्राइबर 1 साल से ऊपर हो गया फिर भी अभी 1,000 तक भी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को ठंडक, अपने आप को हिम्मत बनाता रहता हूँ खुद ही कि आज नहीं तो कल जरूर ऊपर वाला सुनेगा, आप लोग मेरा हाथ पकड़ोगे और इस मुश्किल समय से और मुश्किल घड़ियों से बाहर निकालोगे। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।